आज हम आपको बेबी झबला बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमने 16 इंच छाती का साइज लिया है। कपड़े को हमने दो फोल्ड में रखा है। इसमें हम बॉडी बनाएंगे। बॉडी की लंबाई हम 4.5 इंच लेंगे, चौड़ाई 8 इंच। हम इसको कट कर देंगे। अब हम कपड़े को फिर फोल्ड करेंगे। तीरा छाती का आधा 2 इंच कम जो हुआ है। कपड़ा हमने 4 फोल्ड में लिया है, इसलिए 3। अमूल भी हम 3 इंच लेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा 2 पॉइंट का निशान डालेंगे, इस तरह से गोलाई देंगे। बॉडी की कटाई के लिए यहाँ से इस तरह से इसमें जोड़ेंगे। ये बंद साइड हम गला लगाएंगे 2 इंच नीचे से, 2 इंच साइड से। आधा इंच का छोटा निशान डाल के इसको गोलाई करेंगे। आगे पीछे का गला बराबर रखेंगे। पहले अमूल काट देंगे, गोलाई काट देंगे। ये गला बराबर लेंगे आगे पीछे का, इसको कट कर दें। ये बॉडी कट के तैयार हो गई। अब हम आपको घेर कट करके बता रहे हैं। ये हमने घेर के लिए कपड़ा लिया है। कपड़े को हमने डबल में रखा है। ये चौड़ाई है घेर की, चौड़ाई छाती के दुगना 2 इंच अधिक लिए हमने। ये घेर की लंबाई है 11 इंच, ये चौड़ाई 18 इंच। ये दोनों कोने, ये दोनों कोने को हम इस तरह मिलाएंगे। अब हमारे ये 4 कोने हो गए, 4 फोल्ड। यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर से 1 इंच नीचे से गोलाई देंगे, इसको कट करेंगे। ये सेंटर है, बीच का फोल्ड है इधर। इधर से हम 1/2 इंच की शेप देंगे। ये घेर के लिए है। ये हमारा घेर हो गया। ये हमने पाइपिंग के लिए कपड़ा लिया है। 1 इंच की चौड़ाई का हम कटिंग करेंगे। कपड़ा हमेशा ऐसा तिरछा होना चाहिए, बढ़ता हुआ, पाइपिंग अच्छी बनती है। इस तरह से निशान डालना। ये हमारी पाइपिंग हो गई। हम लगा के बताएंगे आपको। ये पट्टी है, अब हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे। इधर पहले सीधा ऐसा बंद कर लेंगे। ये किनारे किनारे थोड़ा छोड़ के सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाएंगे इस पे। ये जिधर हमने ये बंद किया है वहां से हम अब किसी भी पतली चीज से, जैसे मैंने ये क्रोशिया का उपयोग किया है, आप सुई क्रोशिया कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह से हमारी पाइपिंग तैयार हो गई है। इसी तरह हम दूसरी पाइपिंग भी बनाएंगे। अब हम ये बॉडी तैयार करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम नीचे साइड में ये पाइपिंग लगाएंगे। ये है बंद साइड, ऊपर करेंगे, ये नीचे साइड करेंगे। ये घेर है, लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब हम यहाँ पे इसके किनारे किनारे ये घेर लगाएंगे। ये जो हमने कटिंग की है इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ से हम
सिलाई लगाएंगे। इसको हम बाहर निकाल देंगे, छोटा छोटा चुन्नट डालेंगे, थोड़ा प्लेन सिलाई करेंगे एक इंच डेढ़ इंच, उसके बाद फिर चुन्नट डालेंगे। ये हमने घेर जोड़ दिया है, ये पाइपिंग है, इसको हम नीचे की साइड पलट देंगे, इस पर सिलाई लगा देंगे। ये गला है, इसमें हम पट्टी लगाएंगे। ये जो पट्टी लिया उसको डबल कर लिया मैंने, ये अंदर की साइड रखेंगे, सीधे साइड इसको पलट देंगे इस तरह से। ये सीधे साइड पलट के इसके किनारे से सिलाई लगा दें। अमूल में हम ये पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ ऊपर आके हम इसके किनारे से निकालेंगे, इसको बंद कर देंगे। इसको हम इधर ऊपर साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो हमने पाइपिंग बनाई है इसको यहाँ दबा के इस पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। अब हम ये दोनों को ये साइड में सिलाई लगाएंगे। अब हम नीचे की तरफ ये पट्टी लगाएंगे, ये उल्टे साइड में ऊपर रखेंगे और सीधे साइड में ऐसा फोल्ड करेंगे। ये सीधी तरफ हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये पट्टी लगाने के बाद हम दूसरी साइड भी बंद कर देंगे। इसमें ये लगाने के लिए हम ये ग्रीन कपड़े को इस्तेमाल करेंगे। ये मुझे चार चाहिए इसलिए हम इसको इस तरह से, अब हमारा ये चार भाग हो गया। इस कोने से फिर हम फोल्ड कर देंगे, इसको गोलाई में कट कर लेंगे। ये इस तरह रखेंगे, इसको बंद कर देंगे, इसमें एक सिलाई लगा देंगे। इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरा भी सिलेंगे।